सुप्रभातम, मैं पान सिंह मिस्टर PPSDMIC जाने का था। कक्षा सप्तम विषय हिंदी बसंत में प्रकरण है एक दिन का। इसकी जो लेखक हैं वो हैं आपके अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी। पहले वीडियो में हमने 6 पंक्तियों का अर्थ पढ़ा था, उसकी आगे की पंक्तियाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का घमंड या अहंकार होता है, उसको तोड़ने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए एक घास का तिनका ही क्या होता है, काफ़ी होता है। तो इस कविता के माध्यम से व्यक्ति में जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, उसको कम करने का प्रयास, यानी उसको समाप्त करने का प्रयास इन पंक्तियों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया गया है। और कविता की पंक्तियाँ हैं, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारे दबे पाँव भागी, जब किसी घब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ उसे ताने दिए, ऐठता वो किसके इतना रहा, एक तिनका है बहुत उसके लिए। ये कविता की पंक्तियाँ थी। अब इन पंक्तियों में लेखक अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी कह रहे हैं कि जब उसे अहंकार था या जो ऐंठ थी वो भी दबे पांव भागी, यानी उसकी सारी ऐंठ निकल जाती है, यानी उसका घमंड निकल जाता है। जब तिनका आँख में जाता है वो दर्द से चिल्लाने लगता है और उसकी जो ऐंठ है वो सारी निकल जाती है। जब किसी घब से निकल तिनका गया, जब किसी कारण से उसके तिनके को निकाल दिया गया, तब समझ में यूं उसे ताने दिए, तब उसकी समझ में आया, यानी आँख से जब घास का तिनका निकाल दिया गया तब उसका दर्द कम हुआ और तब उसकी समझ में आया कि तब समझ में यूं उसे ताने दिए, तब उसकी समझ में आने लगा, ऐसा वो किसने इतना, यानी उसका जो अहंकार है, अपने अहंकार के कारण वो ऐंठता है, उसके अहंकार को कम करने के लिए, यानी जो घास का तिनका था वही क्या है, बहुत काफ़ी था, एक तिनका है बहुत उसके लिए। यानी जब हमारे अंदर किसी बात को लेकर किसी चीज़ का अहंकार होता है, उसको समाप्त करने के लिए यानी एक घास का तिनका ही काफ़ी होता है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इस कविता में हमारे अहंकार को समाप्त करने के लिए लेखक ने यह समझाते हुए कहा है कि अहंकार को समाप्त करने के लिए एक घास का तिनका ही क्या है, काफ़ी होता है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।